अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं सुहेल चौधरी, आप देख रहे हैं चैनल भाषणा टू यूएसए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर भी करें और वीडियो देख के कमेंट भी कर दिया करें, बताया करें कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है या आपको कोई चीज़ था दो और कुछ रही है तो प्लीज़ शेयर किया दीजिए। और आज का टॉपिक है हमारा जो पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है डे बिफोर यस्टरडे, फ्लाइट नंबर 8303 एयरबस 320 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ये हुआ था और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। सो हर एक की अपनी एक राय है और जो मेरा थोड़ा बहुत फ्लाइंग एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं जो बात कहना चाहूँगा, ये न्यूज़ देखी हैं उसमें जो बातें नज़र आई हैं, जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा, मगर जो अभी कुछ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें ऐसा हुआ कि जैसे जहाज पहले जैसे कह रहे हैं कि लैंडिंग के लिए आया था, उसकी जो हाइट थी बहुत ज़्यादा थी, 10,000 फीट पर था, तो ATC टावर ने उसे बोला कि आप जो है ना दोबारा हाइट ज़रा कम करें। तो सेकंड टाइम वो 3,000 फीट पे आया है और उसने नॉर्मल लैंडिंग के लिए वो आया है और उन्होंने आके कोई एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू दी पायलट, और ATC टावर ने उन्हें लैंडिंग की इजाज़त भी दे दी थी। इस पॉइंट पे ये मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे आप जहाज़ लेके आ रहे हैं तो उसके नीचे लैंडिंग जो होते हैं गियर जो होते हैं वो जहाज़ के जो पहिए होते हैं उनको खुलने को लैंडिंग गियर्स कहते हैं, जो पहिए इनफैक्ट जो खुलते हैं जिन पर वजन जहाज रन करता है और वजन जिन पर होता है वो लैंडिंग गियर्स होते हैं। तो अगर लैंडिंग गियर उन्होंने खोले हैं तो कोई कन्फर्मेशन तो पायलट के पास होती है, लाइट ऑन हो जाती है अंदर से कि लैंडिंग गियर ओपन हो गए हैं, और वो कैमरे भी नीचे जहाज़ के नीचे कैमरे भी लगे होते हैं जिसे आप देख सकते हैं कि लैंडिंग गियर खुल गए हैं या नहीं खुले। बहरहाल अगर उनके मुताबिक खुल गए थे और जो कि नहीं खुले हुए थे तो फिर ATC टावर जो US में और UK वगैरह में ऐसे होता है जो मॉडर्न कंट्रीज़ में है कि ATC टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, उसमें वो बताते हैं कि आपने किस स्पीड पर आना है, और जैसे नॉर्मल ट्रैफिक में गाड़ी आ रही है इस तरीके से बताते हैं कि किस स्पीड पे आएँ और किस हाइट पे आप आएँ। तो अगर वो 1500 फीट पे अगर जहाज़ आ रहा है तो ये ATC टावर वो उसकी हाइट भी कंट्रोल कर रहा होता है, नंबर टू जहाज़ की जो है स्पीड भी ATC टावर ही कंट्रोल कर रहा होता है, और प्लस ATC टावर में बंदे बैठे होते हैं जो दूरबीन से देख रहे होते हैं कि जहाज़ के जो है वो टायर वगैरह जो है खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए, और अगर पायलट कह रहा है कि लैंडिंग गियर ओपन है तो ATC टावर देख लेता है कि वाकई लैंडिंग गियर जो है ओपन हैं भी हैं या नहीं है, और अगर नहीं होते तो वो पहले ही उन्हें कॉल कर देते हैं कि आपकी जो है लैंडिंग गियर ओपन नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आए हैं लैंडिंग के लिए आए हैं तो पायलट ने भूल गए हैं, पाकिस्तानी पायलट भूल गए हैं। मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, बात सुनना नहीं चाहेंगे, मगर जो फैक्ट है वो है कि इंसान जो है गलती का पुतला है और गलती किसी से भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जो पायलट्स हैं वो लैंडिंग गियर ओपन करना ही सिरे से भूल गए हैं, और वो लैंडिंग के लिए जैसे ही आए हैं और उसके ऊपर ऐसा हुआ है कि जो ATC टावर है उन्होंने उसे क्लियर कर दिया लैंडिंग के लिए रनवे 25 पे, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं खुले। ATC टावर वाले भी जो हैं वो भी उनकी भी गलती है, उन्होंने भी सिरे से चेक ही नहीं किया और उन्हें इजाज़त दे दी, और जैसे जहाज़ रनवे के ऊपर आया तो जहाज़ रनवे से थोड़ा आगे जाके लैंड करता है, और उस जहाज़ को ना उन्होंने मिडल में जब उतारा है उन्होंने तो लेफ़्ट विंग जो है वो इंजन जो है वो मेन से टकराया है, तो उन्हें थोड़ा हुआ कि यार ये जो लैंडिंग गियर तो ओपन ही नहीं हुए तो ये जहाज़ इंजन टकरा गए शायद, तो फिर वो एक दो सेकंड में ही ऐसा हुआ कि दूसरा राइट विंग जो है वो टकराया, थोड़ा आगे गया जहाज़, फिर राइट और लेफ़्ट विंग टकरा इंजन टकराए हैं, फिर आगे गए हैं, फिर राइट एंड लेफ़्ट विंग्स टकराए हैं, तीन दफ़ा जो रनवे से जो इंजन है वो तीन दफ़ा टकराए हैं। तो मीनवाइल उन्हें रियलाइज़ हुआ है पायलट को कि गलती हो गई है और हमने जो है ना वो लैंडिंग गियर जो है वो खोले ही नहीं थे, तो इसी बुखलाहट में उन्होंने दोबारा जो है ना टेक ऑफ़ किया है और उसको लेके गए हैं। अगर वो
गलती पे ना होते, ये गलती उनकी ना होती, तो वो पहले डिक्लेयर कर देते इमरजेंसी, बता देते यार हमारी इमरजेंसी मेडे हमारा जो है वो लैंडिंग गियर ओपन नहीं है और आप हमारे लिए तैयारी करके रखे रनवे के ऊपर हम इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। तो जब उन्होंने लैंडिंग गियर ओपन ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था, वो नीचे आए हैं और आके जब इंजन टकराए हैं उन्हें गलती का एहसास हुआ है, तो वो दोबारा वापस से लेंगे कि हम दोबारा एयरबोर्न हों और दोबारा वापस आके दोबारा लैंडिंग करेंगे। तो मीन वाइल जब दोबारा अप इन एयर गए हैं तो उस वक्त तक इंजन जो थे वो डैमेज हो चुके थे जहाज़ के दोनों, क्योंकि इंजन है कोई ऑफकोर्स कोई भी चीज़ जब इतनी स्पीड से छोटा जहाज है 62 नॉट्स पे और समटाइम मैक्स 70 नॉट्स में हम जो है वो लैंडिंग करते हैं, तो ये बड़ा जहाज़ है इसकी तो लैंडिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, 120 नॉट्स होगी या 140 नॉट्स तक होगी इसकी, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। और ये भी होता है कि क्रॉस विंड कितनी है आगे से जहाज़ के लिए, और वैसे भी जब जहाज़ आप लैंड करते हैं तो जहाज़ के आप रनवे की तरफ आ रहे होते हैं तो साइडों पे रनवे की साइडों पे लाइट्स होती हैं, उन्हें कहते हैं वैसी और पैपी, तो वो लाइट्स हैं वो पायलट को उनको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि जहाज़ ज़्यादा बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है। अगर आपको रेड लाइट नज़र आ रही है तो इट मीन्स, अगर आपको चारों रेड लाइट नज़र आए इट मीन्स कि आप बहुत लो आ रहे हैं लैंडिंग के लिए, और अगर आपको वो जो लाइट्स हैं वो वाइट नज़र आए तो इट मीन्स कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा हाई आप जो हैं वो आ रहे हैं लैंडिंग के लिए और ये सही नहीं है। और अगर आप लैंडिंग के लिए आ रहे हैं वैसी और पैपी लाइट आपको दो वाइट नज़र आएँ और दो रेड नज़र आएँ तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर अप्रोच से आ रहे हैं, आपके लैंडिंग जो है वो सही एंगल से होने वाली है। तो इन्होंने वो लाइट्स को भी इन्होंने वॉच नहीं किया, वैसी और पैपी लाइट्स को भी इन्होंने रनवे के ऊपर जो होती है उनको भी इन्होंने वॉच नहीं किया हमारे पायलट्स ने, अल्लाह ने जवारे रहमत में जगह दे, मगर उन्होंने ये गलती की है। फिर जब दोबारा उन्होंने टेक ओवर जहाज़ को टेक ऑफ किया है लेके किए हैं रनवे से टच डाउन के बाद, तो फिर वो ऑफ कोर्स जहाज़ के अंदर वो पावर नहीं रही, वो थ्रस्ट पावर नहीं रही और वो दे वर अनएबल टू लैंड द एयरक्राफ्ट, तो इसलिए ये हो गया है। तो ये बात तो ये करने वाली है कि हमारे जो पायलट्स हैं काफ़ी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, मगर जो ये कुछ दिनों पहले भी एक न्यूज़ में हमने सुना था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे पायलट भी हैं जो अंडर मैट्रिक हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं थी, तो इनकी एक तो ट्रेनिंग नहीं होती है। जैसे जुनेद जमशेद का जहाज़ पहले जिसमें जुनेद जमशेद साहब जो शहीद हुए थे वो पहाड़ों से टकरा गया था, तो उस वक्त भी मैंने एक रेडियो स्टेशन पे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रेडियो स्टेशन पे मैंने इंटरव्यू दिया था, वो बात जो मैंने की थी वही जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो बात सही निकली थी कि पायलट जो थे इन्होंने चेकलिस्ट को फॉलो ही नहीं किया गया। जहाज़ के अंदर कॉकपिट के अंदर चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट पेपर होते हैं बेसिकली, इसके ऊपर लिखा होता है जहाज़ में कॉकपिट के अंदर धुआं हो जाए तो कैसे इसको आपने क्या करना है, अगर इसके अंदर आग लग जाए क्या हो क्या करना है, अगर आपने इसके अंदर कॉकपिट के अंदर कोई वैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो काम करना छोड़ दें तो आपने क्या करना है, लेट से कि आप कॉकपिट में आग लग गई है तो वो क्या करेंगे, वो पहले बताएंगे कि आपने नंबर वन करना है कि आपने फ्यूल जो है वो सारा जो है उसको रिलीज़ कर देना है, या अगर इतना टाइम नहीं है कम से कम फ्यूल को उसको आप बंद कर दें और ऐसा 90 डिग्री के एंगल से आप नीचे आएँ, तो काफ़ी चीज़ें जो चेकलिस्ट पे होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या करना है वो आपने देखना होता है कि ये सिचुएशन है इसके लिहाज से चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है। ज़ुबानी चाहे पास आपके पास जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, ज़ुबानी कलामी काम ये नहीं होते, आपके पास एक चेकलिस्ट होती है जो आपके पास एक फाइल होती है उसके अंदर चेकलिस्ट होती हैं, सिचुएशन जब कोई हो जाए एमरजेंसी वाली तो उसमें देखा जाता है इस सिचुएशन के लिहाज से कौन सी चेकलिस्ट है, फिर उसको वन बाई वन फॉलो किया जाता है और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। तो अगर ये इनके जहाज़ के अगर दोनों इंजन फेल भी हो गए थे तो ये ग्लाइड करके आ सकता था, मगर इन्होंने एक और मिस्टेक की है, जहाज़ जब लैंडिंग के लिए आ रहा था तो उसकी नोज थी वो ऊपर की तरफ थी तो ये स्टॉल पोजीशन में चला गया था। जहाज़ जब किसी भी हाइट पे हो किसी भी सीट पे जहाज़ जो है वो स्टॉल हो सकता है, तो अगर आप ऐसे ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर मुँह है तो आप अपलिफ्ट नहीं मिलेगी विंग को और विंग जो है ऊपर हवा में नहीं जा सकेगा, तो इसलिए मैंने देखा कि वो जहाज़ का जो मुँह था ऊपर की तरफ था और वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, जब आप लैंडिंग के लिए आते हैं तो आपकी नोज़ डाउन होती है और ये जो एयर प्रेशर होता है वो आपकी नोज़ को खुद ब खुद नीचे रखता है, और आप थोड़ा नीचे रखते हैं तो एयर प्रेशर यहाँ पे होता है, और आप ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही आप ज़मीन के ऊपर या रनवे के ऊपर आते हैं जहाँ आपने लैंडिंग करनी है
तो फिर बिल्कुल 50 फीट के ऊपर आके लेस देन 50 फीट और लेस देन 100 फीट समटाइम, बट मोस्ट लाइकली 50 फीट पे जब आप आते हैं तो फिर आप उसकी योक खींचते हैं और उसकी नोज़ अप करते हैं ताकि जो है जो लैंडिंग गियर के पिछले हिस्से पे जहाज़ उतरे और फिर अगला नोज़ डाउन करते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही ऐसे पहले ही काफ़ी देर पहले ही उन्होंने कर लिया था नोज़ अप की हुई थी, इट मीन्स कि वो उसके इंजन तो काम कर ही नहीं रहे थे और उन्होंने उसको अप लिफ्ट करने की कोशिश की है और जैसे ही वो ऊपर किया है तो जहाज़ स्टॉल पोजीशन में चला गया है। स्टॉल पोजीशन में कोई सा भी जहाज़ जा सकता है और स्टॉल से रिकवरी के लिए 1500 फीट जो है ना उससे ऊपर होना चाहिए मिनिमम आपको। अगर आप 1500 फीट पे हैं तब भी चांसेस होते हैं कि आप रिकवर कर सकते हैं। कोई भी जहाज़ किसी भी स्पीड पे किसी भी हाइट पे स्टॉल हो सकता है, मगर इसके लिए आपकी जो हाइट है वो 1500 फीट से ऊपर होनी चाहिए और नीचे ग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टॉल से रिकवरी के लिए। बेसिकली स्टॉल में क्या होता है कि नोज़ ऊपर चली जाती है, आपने योक को थोड़ा आगे करना होता है ताकि मुंह थोड़ा नीचे जाए जहाज़ का, और अगर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ऐसे फ्लिप कर देते हैं तो जब वो 90 एंगल से ऐसे घूम के आते हैं तो नीचे अगर जगह कम है तो ऑफ कोर्स नीचे ज़मीन से जहाज़ टकरा जाता है। तो एक तो ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, बड़े जहाज़ ऐसे तो फ्लिप तो नहीं करते टोटली, मगर ये नोज़ थोड़ी इनके ऊपर हो जाती है। फिर जब स्टॉल में जाता है तो जहाज़ के अंदर एक इक्विपमेंट होता है वो बताता है भैया, वो टी सिग्नल देता है कि आपको स्टॉल में चले गए हैं और जहाज़ की स्पीड कम हो जाती है, आपको महसूस हो जाता है। और आप जो योक होती है दूसरे लफ्ज़ों में हैंडल कहते हैं जिसको, उसको आप आगे तरफ करते हैं और जो नोज़ डाउन हो जाती है जहाज़ की। सो ये जहाज़ स्टॉल भी हुआ हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं, हमारी पायलट्स जो हैं वो एक्सपर्ट हैं मगर इंसान गलती का पुत्र है जैसे मैंने पहले कहा, और इन्होंने गलती कर दी है। उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने ट्राई भी की है जो कि कारामद साबित नहीं हुई। सो एंड पे मैं यही कहूँगा कि जो चले गए अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, और देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है तो होपफुली जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो तो आएंगे, और लेटर लेटर जो भी अभी बात पता चलेगी मैं चल आपसे शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मूवी को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो अपने कमेंट्स में इसका इजहार भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।